हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट सी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करने के लिए क्या बोला गया, सर्टेन ग्रेड ऑफ स्टील इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। हार्डनेस मस्ट बी ग्रेटर देन 50, कार्बन कंटेंट मस्ट बी लेस देन 0.7, टेंसिल स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन। ये कुछ पैरामीटर है जिसके बेस पे हमें कैलकुलेशंस करनी है। एक ग्रेड दे रखी, ग्रेड 10 को देनी है जब तीनों कंडीशन मेट हो, ग्रेड 9 देनी है जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मेट हो, ग्रेड 8 है सेकंड और थर्ड के मैच होने पे, ग्रेड 7 है कि फर्स्ट और थर्ड सही है तो, ग्रेड 6 है अगर कोई भी एक सही हो जाती है तो, ग्रेड 5 है कि कोई भी नहीं मिलती है तो। तो राइट ए प्रोग्राम विच रिक्वायर द यूजर टू गिव वैल्यूज ऑफ हार्डनेस, कार्बन कंटेंट एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट द ग्रेड ऑफ द स्टील। ठीक है, हमें ग्रेड की स्टील निकालनी है, ये तीन इनपुट के अंदर लेने की, हार्डनेस, कार्बन और टेंसिल। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम को हम लिखने की तैयारी करते हैं। पहले इनपुट लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, स्टील ग्रेड से। ठीक है, इंक्लूड COIDH VOIDMAIN मेन फंक्शन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, गेट जो स्किन को होल्ड करके रखता है, CLRSCR जो कि एग्जिस्टिंग जो भी स्किन के ऊपर इनपुट होगा उसको खत्म कर देता है। देखिए उसके अंदर फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू दी गई थी, तो हम फ्लोट टाइप की वेरिएबल भी ले लेते हैं। फ्लोट के अंदर क्या था, हार्डनेस, कार्बन, हार्डनेस, टेंसिल, ये तीन वेरिएबल थे, तो तीनों का इनपुट लेते हैं हम। एंटर वैल्यू ऑफ कार्बन, इसकी वैल्यू को हम स्कैन करा लेते हैं कीबोर्ड से। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐप यूज हुआ है क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। M% कार्बन का मतलब है कि कार्बन जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। एंटर वैल्यू ऑफ हार्डनेस, देखिए जब भी आप इनिशियली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर प्रोग्राम को पूरा बेसिक से लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ चीज आप बाईपास कर देते हो, तभी तो प्रैक्टिस करने के लिए करी हुई है। हार्डनेस एंटर वैल्यू ऑफ ये हो गया स्कैन एफ परसेंट एफ एंड परसेंट, इनके सबके अंदर लास्ट में हम लगा देते हैं नो कैरेक्टर लाइन ताकि नई लाइन के अंदर आता रहे हमारे पास। ठीक है, अब इनको हम कंपेयर करके चेक कर लेते हैं सही है। अब हमें लिखनी है इनकी कंडीशंस, तो कंडीशन लिखने के लिए हमें वापस से क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या नहीं है। कंडीशंस के अंदर चलते हैं तो पहले बोलता है द ग्रेड इज 10 इफ ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट। चलिए अब हम प्रोग्राम लिखते हैं इनके अकॉर्डिंग। इफ 10, जब तीनों कंडीशन, कार्बन की वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए, इफ कार्बन इज ग्रेटर देन 50 एंड हार्डनेस है, वो हार्डनेस इज ग्रेटर देन 50 एंड कार्बन इज लेस देन 0.7 एंड
पेंसिल टी एन एस आई एल ई इज ग्रेटर देन 5600। देखिए हमने वेरिएबल के अंदर नाम में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी थी, तो ठीक कर देते हैं ताकि प्रॉपरली सही रहे। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस मैच हो जाएंगी तो क्या होगा, स्टील ग्रेड 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर तीनों की तीनों कंडीशंस सही हो गई तो। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन, प्रोग्राम को वापस से हम बड़ा करेंगे जैसे पिछले वाले करा था। पहले इसको चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं इन कंडीशंस को इसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इफ 9 ग्रेड होगी, जब अगर फर्स्ट और सेकंड सही होंगी तो, मतलब कि हार्डनेस और कार्बन दोनों मैच होनी चाहिए, तब जाकर के ये चीजें सेट होगी। तो इनको हम कॉपी कर लेते हैं, जी हमारी शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ग्रेड 10। स्टील ग्रेड इक्वल टू 9, ये भी स्लैश एन होगा। ठीक है, अब मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ जो भी डिमांड करता है, इससे देख के कर लेता हूँ भाई। अगर कुछ 8 ग्रेड कब होगी, जब सेकेंड एंड थर्ड मेट करेगी तो, एल्स इफ सेकेंड एंड थर्ड कार्बन की वैल्यू और टेंसिल की वैल्यू अगर ये ठीक होंगी, मैच करती है, तो ग्रेड 8 हो जाएगी। ठीक है, एंड डेप्थ ग्रेड 8। स्टील ग्रेड इक्वल टू 8। F2, देखिए प्रोग्राम को बार बार बीच में सेव करने की आदत बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि कंप्यूटर को भरोसा नहीं, मशीन है, कब जवाब दे देगी। तो अगर आपने सेव नहीं करा तो जितना भी काम करा सब बेकार हो जाएगा, इसलिए इनको टाइम टू टाइम पे सेव करते रहना चाहिए। फोर्थ के फर्स्ट एंड थर्ड अगर सही होती है तो, फर्स्ट एंड थर्ड सातवीं हो गई। अब इफ ओनली वन कंडीशन इज मेट, अगर इनमें से केवल एक कंडीशन अगर सही होती है तो ये होगा हमारे पास में सिक्स ग्रेड का, एल्स शिफ्ट इंसर्ट। कोई एक को कंपेयर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिकल और, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हो जाएगा ग्रेड 6 का। ठीक है, एल्स स्टील की ग्रेड हो जाएगी 5। F2 कर लेते हैं इसको, अब इसको बड़ा भी कर दिया हमने। देखिए चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड का यूज करा है कि तीनों की तीनों कंडीशन ट्री होंगी तो ग्रेड 10 होगा, अगर ये दोनों थ्री होंगी तो ग्रेड 9 होगी, ये दोनों होंगी तो 8 होगी, ये दोनों होंगी तो 7 होगी, और कोई भी एक हो जाएगी तो 6 होगी, अदरवाइज 5 होगी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा करके चेक कर लेते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। तीन एरर्स आ गए हमारे पास इसके अंदर, क्या एरर आई है देखते हैं। अनडिफाइंड सिंबल टेंसिल, ओके यहाँ पर हमने चेंज कर दिया था इसको, तो इसको हटा देते हैं एच। अब ऑल्ट F9 करा, डीबग करा, अभी भी दो एरर आ रही है हमारे पास में। अनडिफाइंड सिंबल वही सेम, TENSILE हमने क्या यूज में लिया है, TENSIL हटा देते हैं इसको,
देखिए वन बाय वन प्रोग्राम को और आपके सामने लिखने से एक्चुअली डिबग कैसे करते हैं ये भी आपको पता लग सकता है। ये प्रोग्राम अगर लिखा हुआ ऑलरेडी रिटर्न में होता तो ये सारी एरर्स आती नहीं, तब एरर्स हमें जनरेट करनी पड़ती है। अब जब प्रोग्राम करते टाइम पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू एरर्स रह गई हैं, स्टेटमेंट मिसिंग टर्मिनेटर, ये टर्मिनेटर मिसिंग है। Alt F9, अभी भी एक एरर रह गई है। अनडिफाइंड सिंबल टेंसिल, Alt F9, बिल्कुल एरर फ्री हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं। कार्बन की वैल्यू हमने दे दी है मान लीजिए 0.5, हार्डनेस की दे दी हमने 20 और टेंसिल की दे दी हमने 5000, तो स्टील ग्रेड 6 आ गई। 6 के अंदर क्या था कि तीनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए, तो मैच हो गई होगी तो हमारे पास में आउटपुट आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो गया और पूरा बन गया। तो इस तरीके से लॉजिकल और लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर इन सबका कंबाइंड यूज करके हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके, थैंक यू।